तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कुछ बढ़िया चल रहा होगा, चल ही रहा होगा वैसे तो जिस हिसाब से चल रहा है इस बारिश के मौसम में। तो मैं जैसे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल टाइटन गेमिंग में, जहाँ पर आज हम खेलने वाले हैं एक ऑटो मैचिंग को एक्चुअली बन करके एक सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम। तो बेसिकली इस मैच में मैं आपको एक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा, जहां पर आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम में काफ़ी मदद हो सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग नो टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा बेसिकली यहाँ पर मकसद था कि भाई हम नोवो उतरेंगे, नोवो में उतरेंगे, सबको पे लेंगे। बट जब मैं नोवो उतरने वाला रहता हूँ, तो मेरे को ये पता चलता है कि भाई नोवो में सिर्फ एक ही स्क्वाड आ रही है, वो एक स्क्वाड के अलावा कोई स्क्वाड नहीं है। तो ऐसे में मैं ये सोचता हूँ यार, एक ही स्क्वाड है, 4-on-1 सिचुएशन है। अगर एक से ज़्यादा स्क्वाड होती ना, तो थर्ड पार्टी करने में मज़ा आता, तो नोवो में उतरने में मज़ा आता। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा स्क्वाड होती, दो तीन स्क्वाड उतरती ना, तो फिर थर्ड पार्टी अपन करके उन सभी स्क्वाड को अपन ले ले सकते थे धीरे धीरे करके। बट यहाँ पर उतरी सिर्फ एक ही स्क्वाड। अभी ऐसे में मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले तो उतर के यहाँ पे अच्छी खासी लूट मार लेता हूँ, आराम से लूटता हूँ यहाँ पर, आराम से लूटता हूँ। उसके बाद क्या करना है वो आपको इस आगे इस वीडियो में बताऊँगा कि फ्री का लूट आपको कैसे लेना है। बट कहानी में एंड में एक ट्विस्ट आता है, वो थोड़ा दर्द भरा ट्विस्ट होगा, वो जो आपको अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ी देर बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड में। एनीवेज, यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे दो चार ही घर होते हैं, आपको पता होगा अगर आप ज़्यादा नोवो मेरे नोवो के एरिया में आप उतरते होंगे, तो आपको पता होगा ये एरिया। यहाँ पर थोड़ी सी लूट लूट करके, ओए ये थॉमी, ये कभी कभी इतना अच्छा चल जाती है वाली गन क्लोज रेंज के लिए, और कभी कभी आप पूरे गोलियाँ ख़त्म कर दो, सामने वाला मरेगा नहीं, ये ऐसी गन है। एनीवेज, यहाँ से लुट के मैं एक ये वाले और जो दो घर है ये देख लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा के। ये वाला बेहतर बेसिकली मेरे को पसंद नहीं है, इसमें ब्राइटनेस आपको ज़्यादा करके खेलना पड़ता है, क्योंकि ये सनसेट में आपको ज़्यादा दिखता नहीं है। ये फॉगी वेदर के बाद ये एक ऐसा वेदर है जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। एनीवेज, यहाँ पे मुझे मेरी प्यारी का मिल जाती है एक DP, तो मैं थॉमसन को नोडो फेंक देता हूँ। हाँ, अभी आप सोच रहे हो कि यार मैं 7K एमओ पहले से ही उठा के रख रहा हूँ, 5K एमओ पहले से ही उठा कर रख रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं एमओस पहले से उठे इकट्ठा करके रखता है, क्योंकि मेरे को AKM के लिए मैं जमा करके रखता हूँ, क्योंकि आके AKM मिल गई तो मैं कोई भी गन ड्रॉप करके AKM ले लूँगा। या अगर AKM नहीं मिलती है, जैसे अभी हाथ में UMP है, तो 5K एमओ उठा के रखता हूँ कि भाई अभी UMP के ऊपर तो मैं M4 वगैरह को ही प्रीफर करूँगा। सो बेसिकली M4 और AKM के लिए मैं जमा करके रखता हूँ, बट माई फेवरेट गन इज़ बेसिकली AKM। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट करके ये आखिरी घर बचा है, ज़्यादा नहीं लूटूंगा मैं, क्योंकि इसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार वो जो बंदे जो गए हैं, जो वो मैं 4 जन उनको मैं लपेटे में लेता हूँ ब्रिज कैंपेन करके। सो ब्रिज कैंपेन करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से गाड़ी लेनी है, इस पार्किंग में गाड़ी होएगी ही होएगी, चाहे वो 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या कार हो। या मुझे 3 व्हीलर मिलती है तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी में बैठ के निकल जाता हूँ ब्रिज कैंपेन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि भाई नोवो में 4 बंदे हैं और जाने के लिए खाली यही एक रास्ता, मतलब जा सकते थे मिलिट्री बेस से भी, बट वहाँ पे जोन काफ़ी उनको लंबा पड़ता था, जोन काफ़ी दूर बना हुआ था, तो उनको बेसिकली इसी ब्रिज से जाना था अंदर जाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे खोबाड़ी उठा लेता हूँ, खोबाड़ी बोले तो अपना हेलमेट Level 1 का बहुत कुछ ज़्यादा ही फालतू लगता है। सो खोबाड़ी उठाने के बाद मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तो गाइज, अभी आपको करना क्या है? अभी ऑब्वियस सी बात है कि यार ब्रिज कैंपेन अभी आप अकेले कर रहे हो, तो अकेले करना आपके लिए ब्रिज कैंपेन काफ़ी मुश्किल काम होगा, क्योंकि पीछे से आने वाली एक पूरी स्क्वाड है। अभी चलो मुझे तो पता है कि पूरी स्क्वाड है, कभी कभी तो आप अकेले सिचुएशन, आपकी पूरी स्क्वाड मर जाती है, अभी आप अकेले रहते हैं कभी कभी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है? क्योंकि अब अभी आप चारों बंदों के साथ उतरेंगे, टीम वालों के साथ, लेकिन आपकी पूरी टीम मर जाती है, फिर आप वहाँ से कैसे ना कैसे निकल तो आ जाते हो, पर आपके दिमाग में है कि भाई ब्रिज कैंपेन करना है, तो कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले तो आपको गाड़ी कुछ इस तरीके से लगानी है कि भाई इंटेंशनली आपको ऐसी लगानी है कि जो बंदे वहाँ से आएंगे कि उनको गाड़ी दिखे, ऐसी गाड़ी लगाओ कि जो बंदे वहाँ से आने वाले होंगे उस तरफ से उनको ये गाड़ी दिखे। क्योंकि जब आप गाड़ी ऐसे लगाओगे ना, तो क्या होएगा ना कि वहाँ से जो बंदे आएंगे ना, वो रुकेंगे, एक्सपेक्टेड करेंगे कि यार बंदे है क्या नहीं है, वो ज़रा एम वेम लेंगे, देखेंगे कि बंदा क्या है, किधर है, कितने बंदे हैं, तो गाड़ी बेसिकली रुक जाएगी। हाँ, कुछ कुछ हो गए जो निकल जाएंगे, बट 90% ऑफ द चांसेस आर दैट कि जितनी भी गाड़ी आएंगी वो रुकेंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको वहाँ पे गाड़ी लेके, गाड़ी रुका के आपको आगे आ जाना, जिस तरह से मैं आगे आ रहा हूँ, आपको इस बस के आगे तक आना है। ये बेसिकली नो वाला ब्रिज है, तो नो वाला ब्रिज कैंपिंग करके बता रहा हूँ मैं।
तो यहाँ पर आकर के जैसे मैं करो आपको ऐसे करना है, यहाँ पे जंप करना है आपको, जंप करते रहिएगा इस, एक बार में नहीं होगा कभी, क्योंकि ना आप बार बार जंप करते हो गए ना, मतलब बूम आने आप, आप ज़्यादा पुश करोगे ना इस तरफ तो आप नीचे गिर जाओगे पानी में, क्योंकि मैंने दोपहर में भी ट्राई किया था, मैं एक दो बार काफ़ी नीचे गिर गया था। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप ऐसा होता है कि आप नीचे गिर जाते हो, तो बेसिकली आपको क्या है ना, हल्का सा पुश देके आपको जंप करते रहना है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक अच्छा खासा व्यू मिलता है, देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, देखिए बंदे आएंगे यहाँ पे रुकेंगे, तो आपको कैसा करना है, आपको मारते रहना है, आप यहाँ पे चाहे तो बैठ सकते हैं या आप क्राउच कर सकते हैं, जैसे मैं क्राउच करके रखा हूँ, और यहाँ पे एम लेके बैठे रहते हैं, चाय नाश्ता वगैरह जो भी आप करके आइए। वहाँ से गाड़ी आ रही है, मेरे को दिख चुकी है गाड़ी आ रही है, अभी देखते हैं अपने ट्रैप में फंसते हैं, यानी अपना ट्रैप इसमें फंसते हैं यानी, और ये लीजिए ये लोग फंस गए, ये लोग फंस गए, ये लोग मेरे ट्रैप में फंस गए। तो बेसिकली इन लोग के तीन बंदे उतर गए और एक बंदा आगे निकल गया देखने के लिए कि भाई आगे क्या सीन है। अभी ऐसे में मैं आपको इसको इस एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, अब इसके आगे कहानी थोड़ी दुख भरी होगी, क्योंकि अभी जो भी होएगा एयरटेल का लेगा फिर एक बार। मतलब ये देखिए मेरा मुंह ना उस समय एकदम खुला के खुला हो गया भाई यार, इतनी मेहनत की बेसिकली ना, मेरे को वहाँ पे रुके हुए ना तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, 15 मिनट से ब्रिज कैंपेन करके बैठा हुआ था, यानी हाँ 15 मिनट तो हो ही गए होंगे, 15 मिनट से ब्रिज कैंपेन करके बैठा था। उसके बाद मुझे ये मिलता है सर्वर टाइम आउट रिकनेक्ट, एक बंदे को नॉक करने के बाद, दूसरे बंदे को डैमेज देने के बाद, मतलब ऐसे गंदे टाइम पर ऐसा हुआ मेरे साथ गाइस, मतलब या आई वॉज बस्टेड एक्चुअली। उसके बाद में मेरी हिम्मत देखो गाइस, कि मैं ट्राई किया कि गेम में वापस कैसे ना कैसे जाऊँ और देखूँ, मतलब मैं भी इतना, मतलब कैसे कह रहा, इतना ट्राई कर रहा हूँ मैं, देखो वाह फैंटास्टिक। गेम में गया तो भाई, गेम में जाने के बाद तो गेम ने मेरे को ऐसा बताया कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, मैं तो यहीं पे पड़ा हुआ हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं अपने बेसिकली ऑब्वियसली मेरे प्रोफाइल में जाके अपने स्टैट्स चेक किया कि भाई हो क्या रहा है, स्टैट्स चेक किया तो देखा तो क्या यहाँ नेगेटिव तो हो गया है। तो बस हर बार अपनी कैंपिंग सक्सेसफुल नहीं होती, कभी कभी सर्वर टाइम आउट रिकनेक्ट आपके दिमाग का।